कैसे हो दोस्तों? मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके मैसेज देखकर कि आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। और दोस्तों, आज का जो आपने थंबनेल देखा है उस पर क्यूरियोसिटी होगी होगी कि उसमें क्या है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जब इनबॉक्स होगा तो आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छी मुस्कान आएगी, और मैं यही चाहता हूँ बस कि ये मुस्कान आपके चेहरे पर बनी रहे। चलिए हम देखते हैं, आगे मैं बताऊंगा नहीं, हम खुद ही देखते हैं क्या है अंदर इनबॉक्स आपके थंबनेल के बॉक्स के अंदर। इंतजार खत्म हुआ, बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस हम किसे जाके देंगे, आगे जाके देखिए। दोस्तों, जिनके लिए हैप्पीनेस बॉक्स लाए हैं ये धर्मेंद्र है, अब उनके बारे में यही बताएंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र है, मेरे को 5/3/2018 में एक्सीडेंट हुआ था, यानी 21 महीने। हाँ, 21 महीने पहले। तो मेरी बॉडी पूरी बंद थी, पर धीरे धीरे एक्सरसाइज चालू की तो धीरे धीरे इक्विपमेंट आई थी मेरे को। और जैसे मैंने ये बाइक को देखा था तो ये बाइक की एक्सरसाइज देख के मेरे को थोड़ा और फील्ड हुआ कि मैं और एक्सरसाइज ज़्यादा करूँ। तो उनको देख कर मेरा और थोड़ा इक्विपमेंट आने लगा ज़्यादा, और उनकी जो एक्सरसाइज थी वो एक्सरसाइज देखने के बाद मैंने खुद अपने आप भी एक्सरसाइज शुरू कर दी थी, तो जिसके हिसाब से मेरे को और इक्विपमेंट आया। दोस्तों, 6 महीने पहले मैंने उनको व्हीलचेयर पर देखा था, और अब मैंने उनको देखा 15 दिन पहले ही मैं उनसे मिला, तो वो थोड़ा थोड़ा चलने लगे थे, तो मुझे लगा कि काफ़ी यानी कि इनका इम्प्रूव हो रहा है। और अगर जब उन्होंने मुझे बताया कि भाई उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, ये किससे यानी एक्सरसाइज कर, कभी क्या है कि इनकी फाइनेंशियली आपकी क्या कंडीशन है अभी? फाइनेंशियली कंडीशन मेरी बहुत वीक है, क्योंकि मैं खुद के मकान में रहता नहीं, भाड़े का मकान है। हाँ, अब देख सकते हो दोस्तों, ये रेंट पे रहते हैं। फिर आप बिजनेस क्या करते थे? और मैं बिजनेस इलेक्ट्रिकल की दुकान थी मेरी भाड़े की, और जब मैंने दुकान की उसके 6 महीने के बाद मेरे को ये एक्सीडेंट हुआ, तो मेरा पूरा ही विल पावर। हाँ, वो समझ दोस्तों, अब सोच सकते हो कि रेंट पे दुकान ली है उन्होंने नया बिजनेस करने के लिए, अब घर तो देख ही रहे हो कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी। अब जब आदमी को इस तरह से हो जाता है तो वापस बैक रिवाइव करना, सर्वाइव करना भी उनके लिए कितना यानी मुश्किल होता है। अब उनके
आपके कितने बच्चे हैं? मेरे दो बच्चे हैं, एक 3 साल का लड़का है, एक 6 साल की बच्ची है, और घर में कमाने वाला कोई है नहीं। मिसिज है, पर मिसिज की जॉब जो है वो तो नॉर्मली सैलरी आती है, जिसके हिसाब से घर चलाना भी बहुत कठिन हो गया मेरा। दोस्तों, जब इन्होंने मुझे ये सब बताया तो मुझे सचमुच ऐसा हुआ कि कुछ इक्विपमेंट को दी जाए तो वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएंगे, तो अपना घर पूरा संभाल पाएंगे। दोस्तों, मेरा यही मैसेज है, और अब हम आपके सामने ये गिफ्ट पैक ओपन करेंगे और उनके लिए जो भी लाए वो उनका रिएक्शन देखेंगे कि तो उनको सर्वाइकल है, ठीक से देखते कर पाते हैं कि नहीं। गुड गुड, हाँ। ये इस तरह से पता है ना आपको? हाँ, वो पता है मेरे को। हाँ, ये आपको जो उंगली है उसमें अलग से ताकत आए, और ये बैलेंस बोर्ड है, ये दोस्तों मैंने ही बनाया है ये बैलेंस बोर्ड। दोस्तों, ये सेफ्टी बेल्ट है, अपने सीढ़ी देखी होगी, उनको आने जाने में बहुत ही दिक्कत होती है, तो ये सेफ्टी बेल्ट से ये कोई पकड़ के भी उनको ले जा सकता है। सैंड बैग अपने जो बोला था, ये दो लाए ऐसे सैंड बैग, एक ये रही, मतलब 4-4 किलो की है। ये लेग एक्सटेंशन, ये पग रख, पग या पांव रख के जो आप बताया था मैंने, आपने जो वीडियो में दिखाया, हाँ वही है। ये एंकल के लिए जो बताया था, ये भी मैंने खुद ही बनवाया है एंकल के ऊपर। हाँ, एंकल के जो आपने बताया था कि मुझे इस तरह का यानी मिल जाए, तो आपके एंकल में जो आपने बताया था पावर आने के लिए, ठीक है, ये रबर का के लिए, और ये आपके उंगलियों के लिए, ठीक है, ग्रिपिंग के लिए। हाँ, ये स्प्रिंग, ठीक है, इससे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। ये बार यानी कम करना है तो इसको पूरा, ठीक है, ये इसको और भी कम करना है तो कम हो सकता है। हाँ, ऊपर से आप कर सकते हो कम ज़्यादा, और अगर थोड़ा स्ट्रेच तो अच्छा है, पावर आपका थोड़ा थोड़ा आ रहा है। और ये स्टेपर है दोस्तों, यानी इस पर आपको पैर रख के ऊपर जाना है, यानी खड़ा होना है, फिर वापस नीचे जाए तो आपको सीढ़ी पे दिक्कत नहीं आए उतरने में और चढ़ने में। तो ये घर पर ही आप ये रख के कर सकते हो, यानी कि सेफ्टी बेल्ट लगा के, ठीक है, हाँ, नीचे हो सकता हो, जिस हाँ, हिसाब से उनको सीढ़ी, हाँ, सीढ़ी चढ़ने उतरने में, यहाँ पे आपको घर पर ही एक्सरसाइज हो जाएगी, गिरने की यानी कोई आपको कोई संभावना नहीं रही, इस पर आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये भी मैंने खुद नहीं बनाया था, मेरे लिए ही बनाया था, लेकिन मुझे लगता है कभी इनको ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, इस तरह से फिर आप सो जाके बराबर सोते हुए भी एक पैर से आप एक्सरसाइज करते हो, इससे उंगलियों में, हाँ, गुड, ऐसे करनी है ना, हाँ ऐसे, और थोड़े थोड़े आपके अच्छे हैं कि ऊपर आ रहे हैं एंकल काफ़ी, यानी ठीक है, सो जाके भी आप खींच सकते हो, जो मेरे वीडियो में बताया हुआ है। हाँ, आपके वीडियो में जो आप सोते सोते करते हो ऐसे भी कर सकता हूँ ना, हाँ वो भी कर सकते हो। हो रही है तो आपको 1 घंटा तो रोज करवाना पड़ेगा, ये एंकल की एक्सरसाइज करनी, हाँ, करनी पड़ेगी ना। एक बार एडजस्ट कर देने का इस तरह से, यानी कि आपको कोई दिक्कत ना आए आगे जाके। गुड, यस, कैसे चढ़ के ऐसे करनी है, पैर मोड़ना है अपनी, बस धीरे धीरे पाछू, एक पैर मोड़ के नीचे करना, हाँ, ये पहले एक ही पग में 15 कर, एक ही पैर में करना है, फिर दूसरे पैर में, एक ही पैर पर लेके खड़ा होकर नीचे मोड़ना है अपना पैर, जितना हो सके उतना, थोड़ा और ऊपर हो सके तो करो, ना 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 ना, ओके ओके ओके। हाँ दोस्तों, ये इनके वाइफ है और ये दो बच्चे हैं छोटे छोटे, बहुत ही प्यारे हैं, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे, अच्छा लगा है। या नहीं, ये जो आपने चीज दी है वो मेरे को बहुत बढ़िया लगती है, और इससे मैं और एक्सरसाइज करूँगा, जैसे मैंने आपके वीडियो देखे उस हिसाब से मैं भी बहुत मेहनत करूँगा, और जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी खड़ा हो जाऊँगा आपकी तरह। उस तो हम चाहते हैं कि ये जल्दी खड़े हो जाए ताकि अपनी फैमिली को वो हेल्प कर पाए, और आपने मेरे को इतनी हेल्प की है उसके लिए आपका बहुत, नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है, हम चाहते हैं कि बस आप खड़े हो जाइए, बस
और कुछ नहीं। मेरे पास इक्विपमेंट की बहुत कमी थी एक्सरसाइज के लिए, इसीलिए मैं बहुत एक्सरसाइज नहीं कर पाता था, लेकिन आपने जो दिया है उसके हिसाब से मैं और एक्सरसाइज ज़्यादा करूँगा और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खड़ा हो पाऊँगा। दोस्तों मेरा एक ही मैसेज है कि बस आप अगर कोई भी ऐसे पेशेंट को देखो जहाँ थोड़ी बहुत हेल्प से अगर वो उनकी लाइफ में थोड़े अच्छे से यानी वो फिर से कम बैक कर पाते हैं तो आप जरूर प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए। ओके बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।